किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा कक्काजी ने खंडवा में रेशम के किसानों के साथ गिरफ्तारी दी। यहां कक्काजी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा हुए कहा कि शिवराज सिंह 55 दिन की यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि मैं 90 दिन की आईना दिखाओ यात्रा निकाल रहा हूं। मेरी यात्रा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के घोटालों को सामने लेकर आएगी। कक्का जी ने कहा, कुछ भी हो जाए किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। खंडवा में धरने पर बैठे रेशम के किसानों ने कक्का जी के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन किया। आंदोलन में राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा कक्का जी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने गिरफ्तारी दी। खंडवा के किसानों ने 3 वर्ष पहले रेशम के पौधे लगाए थे लेकिन उसकी मजदूरी का भुगतान 2,38,00,000 रुपए अभी तक नहीं मिला। किसान भटक रहे हैं, शिवराज सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। शिवराज सरकार को भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या थमने का नाम नहीं ले रही और प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। यह घोषणा भी मुख्यमंत्री है। वही पुलिस ने नहालदा के स्टेडियम में अस्थाई जेल बनाकर सभी किसान और कक्का जी को जिला पंचायत से गिरफ्तारी लेकर वहां ले गई की है। आदिवासी किसानों के मामले में सरकार बेहद संवेदनहीन दिखाई दे रही है। यहाँ से बड़ी संख्या में आदिवासी पैदल मार्च करते भोपाल पहुंचे, जिनको लाल घाटी में रोक दिया गया था, पर मैंने फोन करके उनको वहाँ बुलवाया और फिर सरकार ने उनको बसों में बिठा के वापस यही छोड़ दिया और बोला हम एक हफ्ते में आपकी समस्या सॉल्व करेंगे। उसको भी एक साल हो गया है। ये सीएम हाउस भी गए, संस्था में भी गए और लगातार ये आदिवासी किसान सरकार पर अपनी मांग कर रहे हैं, पर सरकार के कान में जू नहीं रोंग रही। इतना तो तय हो गया है कि इनके भुगतान को कुछ अधिकारी खा पी गए और भ्रष्टाचार हुआ है। 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है जिनको ऐसा बताया गया है कि पैसा लेके रेशम केंद्र के आयुक्त ने वापस रिस्टेट कर दिया है। अब वो कह रहे हैं हम FIR करेंगे, पर विषय वो नहीं है। पहले तो वो कहते हैं मनरेगा से काम हुआ है तो आप मनरेगा जाइए। भाई काम करवाया है रेशम केंद्र के लोगों ने तो रेशम केंद्र उत्तरदायी है। मनरेगा थोड़ी कहता है कि आप पौधे लगाइए, हम आपको पौधे दे रहे हैं, या आप गड्ढा खोदिए। तो रेशम केंद्र की इसमें बड़ी लापरवाही है और सरकार की लापरवाही तो है कि वो रेशम केंद्र पर तो सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। नहीं, इन्होंने स्वयं गिरफ्तारी दी है, जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दी है। करीब 202 लोग हैं को गिरफ्तार कर लोग यहाँ पर विशेष जेल घोषित करते हुए स्टेडियम में नहालदा में। इनकी मांगे पुरानी मजदूरी को लेकर है, जिसमें जो शासन स्तर में मामला लंबित है, उनको कई बार समझाया गया लेकिन ये लोग कुछ दिनों से जिला पंचायत में बैठे हुए थे। आज इन्होंने इसको इस रूप में जेल भरो आंदोलन कर लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया। NP News Network की रिपोर्ट।